आपका नाम क्या हुआ? रोशन भुजर मेरा नाम है। रोशन भुजर, आपको उम्र क्या है? 21। नेहा हुसैन, आपका उम्र क्या हुआ? अच्छा, नमस्कार दर्शक बिंद, मैं योगेन बर्दिवा प्रैक्टिकल खबर से आप लोग के सामने मैं आज एक अच्छी सी सामाजिक संदेश मैं लेके आया हूँ। मैं अभी फिलहाल हूँ सिलीगुड़ी, जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत, मैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आया हूँ। आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये नवा विवाहित युवा युवती है। मैडम का नाम है नेहा हुसैन और भाई आपका नाम? रोशन भुजेल। नेहा हुसैन, रोशन भुजेल, और नाम सुनने में अजीब लगता है, डिफरेंट धर्म का लगता है, मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। भारतीय संविधान ने भी हम लोग को एक अधिकार दिया है कि अगर लड़की बालिक हो और लड़का का उम्र संविधान का हिसाब से अगर सही बनता है तो कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति, कोई देश प्यार करने वालों को, शादी करने वालों को रोक नहीं सकता। इसका ज्वलंत उदाहरण दिया है इन दोनों ने, समाज में एक असल संदेश देके अपना परिचय दिया है। आपका नाम क्या हुआ? रोशन भुजेल मेरा नाम है। रोशन भुजेल, आपको उम्र क्या है? 21। और मैडम आपका नाम क्या हुआ? नेहा हुसैन। नेहा हुसैन, आपका उम्र क्या हुआ? 21। अच्छा, आप दोनों ने जो प्यार करके जो अभी शादी किया, आप सिंदूर ये सब लगाई हुई हैं शादी, वैसा तो धर्म का नाम तो लेना नहीं चाहिए, आप लोग प्यार करते हैं, तो इसके बारे में आप दो सब क्या कहना चाहती है? क्या अपना मर्जी से शादी की है? हाँ, मर्जी से की है। घर से कोई दबाव कुछ ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी कोई ऐसा मन में ऐसा कुछ है नहीं? मैंने कैसा, मैंने फैमिली को लेके या घर का माँ पिताजी अपना मायके की तरफ से आपको कुछ शिकायत या कुछ दिल का बात? थोड़ा बहुत था पर अभी नहीं है। अच्छा, अपना मर्जी से शादी किया है, ठीक है। इंसान अच्छा होना चाहिए, प्यार जरूरी नहीं है, अगर इंसान अच्छा हुआ तो सब होता है। अच्छा, के सामने एक बहुत बड़ी और अच्छी सी खबर लेके आया हूँ। मैं अभी फिलहाल हूँ सिलीगुड़ी चंपाश्री ग्राम पंचायत अंतर्गत एक जगह में मैं हूँ। जो माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, ये खुशी का माहौल है। खासतौर से बात क्या है, अगर कोई किसी को प्यार करता है, अगर कोई किसी को चाहता है, ना वहाँ पर जाति आता है, ना धर्म आता है, ना कोई देश आता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं कि चलिए यहाँ से बात करते हैं। जो मैडम रहने वाली हैदरपाड़ा का है और यहाँ पर जो लड़का रहता है, ये चंपाचरी ग्राम पंचायत अंतर्गत। चलिए, अपना जे मे एखने विवाह हो, अपना कोनो असुविधा छे? कोनो आपत्ति नहीं? आप जो यहाँ पर ऐसा गेस्ट आए हैं, आपका बहन यहाँ पर शादी हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आपको शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कमल। हाँ जी, हाँ जी, तो आया इधर देखने के लिए, मिलने के लिए, यही है और क्या है। अच्छा, तो शादी कब हो रहा है यहाँ? शादी अभी डिसाइड होगा, अभी बात करने के लिए आया इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, जो हुआ इधर बात करने के लिए। अच्छा, ठीक है। मैडम किछु बोलते चाचन जे नतुन बर बधू आछे? ललिता भुजेल। अच्छा, आपका बेटा ने जो प्रेम करके शादी किया है, ठीक है, उसके बारे में दो शब्द कोई बोलना चाहते हैं? मंजु उनारु अब आई हालियो, अब उनाले अब गरी खान्छ, अब यस्तो चाहिँ नहोस्, उताबाट पनि तंग नगरोस्, आर अहिले नै आउनु जानु त अब दिनु सक्दिन, अब भोलि पर्सि मिलेपछि गरेपछि चाहिँ दिनु सक्छु। अब बाउले चाहिँ अब केस अब चाहिँ घरिघरि नगरोस् हामीलाई। कस्तो केस? अब अहिले भन्छ, अहिले गएर उल्टा भन्छ, अहिले उनीहरू मिल्छु भनेर आएको छ, हेरौँ अब मिल्छ कि मिल्दैन। हजुर, के कारणले चाहिँ उयो गर्दैछ, केस गर्दैछ, के हो खास चाहिँ?
खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अब खोइ त्यो त म पनि भन्न सक्दिनँ अब उनीहरूको अब एउटै छोरी भएर गरेको कि न के गरेको कि यहाँ पर जो दो धर्मों के बीच में शादी होने जा रहा है इसके बारे में दो शब्द आप क्या कहना चाहते हैं आपको शुभ नाम विष्णु सोईब है मेरा नाम हाँ जी शादी कैसे कि लड़का लड़की अभी जो वो तो जाति और धर्म नहीं देखता है प्यार में हाँ जी हाँ जी शादी लड़का लड़की राजी हो जाता है तो हिंदू मुस्लिम से हम लोग का कोई मतलब हाँ जी हाँ जी जो लड़का लड़की जो शादी उसका मन मिटाव हो गया तो उसका अब कुछ कोई कोई कहना नहीं पाता है हाँ जी हाँ जी वही बात है हम लोग को मतलब कोई मतलब नहीं है हम लोग को ये लोग अच्छा करके खाने दो बस हम लोग इतने बोलना चाहते हैं।